श्री उद्धव जी की कथा और कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। एक छोटी सी कहानी उद्धव जी की आज मैं आपको सुनाता हूँ। जय सियाराम। श्री उद्धव जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। वो बड़ी श्रद्धा के साथ संतों की सेवा करते थे और रोज ही संतों का आना जाना होता रहता था। उद्धव जी के आश्रम में कंठी माला तिलकधारी संती आते थे। दुष्ट व दुराचारी उनके आश्रम से दूर ही रहते थे, उनके आश्रम की ओर नहीं आते थे। श्री उद्धव जी को जब कभी पता चलता था कि किसी स्थान पर संत पधारे हैं, उद्धव जी अवश्य जाते थे और संतों के दर्शन करते थे, उन्हें अपने आश्रम ले आते थे और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे। एक बार उद्धव जी को समाचार मिला कि किसी संत महोत्सव में बहुत से साधु महात्मा पधारे हैं, तो उद्धव जी ने पहुंचकर उनके दर्शन व सत्संग किया। उसके बाद सभी संतों से विनती की कि आप लोग मेरे आश्रम में पधारकर मेरे आश्रम को पवित्र करें। उद्धव जी के प्रेम को देखकर सभी संत चलने के लिए तैयार हो गए। तब उद्धव जी के दास ने उद्धव जी को सावधान किया, कहा कि आश्रम पर इतने भोजन के लिए सामान नहीं है, आपने सबको निमंत्रण दे दिया। श्री उद्धव जी ने कहा, संतों को पधारने दो, बाद में देखा जाएगा। संतों की भीड़ जब उद्धव जी के द्वार पर पहुंच गई तो उद्धव जी को भी चिंता हुई, अब क्या करूं? उद्धव जी की संतों में भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इतने सामान से ही पूर्ति हो जाएगी। तो उद्धव जी ने बड़े उल्लासपूर्वक भोजन बनवाया। भोग लगने के बाद संतों ने पूर्ण तृप्त होकर प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया। बचा हुआ प्रसाद अपने ग्रामवासियों को दे दिया। इस चमत्कार से सभी के मन में संत सेवा का भाव और दृढ़ हो गया, क्योंकि गांव में सभी को इस चमत्कार के बारे में पता चला। आप सब भी संतों के प्रति सेवा का भाव रखिए, फिर देखिए ईश्वर आपकी भी मनोकामना पूरी करेगा। जय सियाराम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।